तो हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। काफ़ी सारे कमेंट आने की वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। काफ़ी लोग कह रहे हैं कि सर छत में क्रैक आ गई है, तो केवल क्रैक की रिपेयरिंग के लिए कोई वीडियो बनाइए। और उस क्रैक से क्या हो रहा है कि घरों में पानी जो है टपक रहा है, छत से नीचे पानी आ रहा है। तो ये जो वीडियो है केवल क्रैक रिपेयरिंग पर है, सबसे सस्ता तरीका मैं बताऊँगा, तो बने रहिए वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मान लीजिए आपकी छत है, ठीक है ना। इस छत में कुछ चीजें मैं आपको शो कर देता हूं। ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है, ये वाला, ये आपका मान लीजिए ड्रेनेज पाइप है। मतलब कि जब बरसात होती है तो सारा का सारा पानी जो है इस डायरेक्शन में फ्लो होकर के, इस डायरेक्शन में फ्लो होकर के आपका ड्रेनेज पाइप में चला जाता है, ठीक है ना। इसमें चला जाता है पानी, इसमें चला जाता है, तो पानी सीधे पाइप से होता हुआ नीचे सीवर लाइन में चला जाता है। तो अगर जो आपकी छत है उसमें प्रॉपर स्लोप होगा तो यही प्रोसेस फॉलो होगा, ठीक है ना। इसको आप चेक भी कर सकते हो। आप थोड़ा सा अपने छत पर क्या करें ना, तो पानी डालिए और आप चेक कर सकते हो। मान लीजिए कोई एक ऐसा एरिया आपको दिखता है जहाँ पर पानी स्टोर हो जा रहा हो, ठीक है ना। काफ़ी पानी जो है वो तो चला जा रहा है, लेकिन कुछ ऐसा एरिया आपको दिखेगा कि जहाँ पर पानी स्टोर हो जा रहा हो, तो ये एरिया आपको आइडेंटिफाई करना है। पानी रुकना नहीं चाहिए आपकी छत पर। और अगर मान लीजिए जहाँ पर पानी रुक रहा है वहाँ पर अगर क्रैक्स होंगे, तो तब तो पानी आप समझ लीजिए कि बंद ही नहीं होगा, आपकी छत से पानी गिरता ही रहेगा, ठीक है। तो ये आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि छत का जो स्लोप है वो प्रॉपर है कि नहीं है। मतलब जहाँ पर भी आपका ड्रेनेज पाइप है उस डायरेक्शन में स्लोप है कि नहीं है, ठीक है ना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। जैसे ही आप इसको आइडेंटिफाई कर लेंगे, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा आपका, ये आपके कुछ क्रैक्स मैंने शो किए हैं। मान लीजिए छत में ये क्रैक्स पड़े हुए हैं, ठीक है ना। इस क्रैक को आप आइडेंटिफाई करेंगे, उसके बाद आपको क्या करना है, इस क्रैक के लिए आप ये कर सकते हो कि नेक्स्ट स्टेप में बताऊंगा, आपको वी ग्रुप कट करना है। वी शेप में ग्रुप कट करना है, मतलब कुछ इस तरह आप क्रैक को कट करेंगे, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए ये आपकी छत है, छत में यहां पर आपका क्रैक है, मान लीजिए यहां पर क्रैक है, तो क्रैक को आप क्या करेंगे, क्रैक को आप कुछ ऐसा कट कर देंगे, ऐसे। मतलब जो क्रैक होगा, क्रैक के दोनों डायरेक्शन में लगभग 1 से 1.5 इंच दोनों डायरेक्शन में आप क्या करोगे, कुछ ऐसा कट करोगे, ये ऐसा। ये इसलिए होता है ताकि जो भी मटेरियल आप फिल करें वो प्रॉपर जो है अच्छे से बॉन्डिंग बना पाए। जैसे मान लीजिए जो छत है उसमें जो क्रैक है उस पर से ही कोई मटेरियल लगा दोगे तो क्या होगा कि वो अच्छी बॉन्डिंग नहीं मिल पाएगी। तो हल्का सा ग्रुप कट करना है, ठीक है। जब इतना हो जाएगा देन आपका नेक्स्ट स्टेप होगा क्लीनिंग करना है आपको। फिर क्लीनिंग कैसे करोगे आप, वायर ब्रश से और प्रेशर्ड वाटर से। पहले अच्छे से जब ग्रुप कट कर लेंगे तब आप क्या करेंगे, वायर ब्रश से उसको अच्छे से साफ करेंगे और प्रेशर्ड वाटर से, ठीक है ना। प्रेशर वाटर मतलब टंकी के पानी या समरसेबल के पानी से अच्छे से उसको प्रेशर के साथ धुलना है, ताकि जो भी फॉरेन मटेरियल है या जो भी आप डस्ट है वहाँ पर वो अच्छे से रिमूव हो जाए। फिर जब हम इस पर केमिकल अप्लाई करेंगे तो अच्छे से बॉन्ड बन जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप होगा आपको बॉन्ड कोट तैयार करना है। बॉन्ड कोट क्या होता है, आपको क्या करना है, डॉक्टर फिक्सिट का URP लेना है, पेडिक्रीट एक पार्ट और एक पार्ट आपको सीमेंट लेना है, ठीक है ना। दोनों ही एक एक पार्ट ले लेंगे आप, एक एक का रेशियो होगा। मतलब जैसे मान लीजिए कि 1 kg आपने सीमेंट ले लिया, तो 1 kg ही आप क्या कर लीजिए, डॉक्टर फिक्सिट का URP ले लीजिए। घोल तैयार करिए एक, ठीक है ना, एक सोल्यूशन तैयार हो जाएगा। उसके बाद उसको आप क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। इसके हम 2 कोट लगाएंगे टोटल, जो भी क्रैक आपका है, मान लीजिए ये क्रैक है आपका, ठीक है ना। इस क्रैक पे क्या करेंगे हम, पहले क्या काम करेंगे कि 1 कोट तो ऐसे लगा देंगे, ठीक है ना,
और दूसरा कोट इसके जस्ट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ऐसे 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 लगाएंगे। ये दो कोट हमको लगाना है, ठीक है। उसके बाद इसको छोड़ देना है कम से कम 5 से 6 घंटे तक, कम से कम छोड़िए इसको सूखने के लिए। जैसे ही आप इसको छोड़ेंगे उसके बाद आपको तैयार करना है रिपेयर मोल्टार। रिपेयर मोल्टार क्या होता है, बेसिकली मसाला आपको तैयार करना है। बस इसमें अब आपको डॉक्टर फिक्सिट का, पेडिक्रीट का, मतलब URP भी ऐड करना होगा। एक पार्ट आपको सीमेंट लेना है और 3 पार्ट आपको सैंड लेना है, ये मैंने लिख भी दिया है। ये लेने के बाद इसमें आप पानी भी ऐड करना होगा। पहले तो आप 10 से 15% URP ऐड करेंगे। 10 से 15% का क्या मतलब हुआ, जैसे 1 kg आपने सीमेंट लिया तो उसका 10% या 15%, जैसे मान लीजिए कि 100 ml या 150 ml, इतना ले लोगे आप क्या URP, ठीक है URP। अगला जो है पानी कितना मिलाओगे इसमें आप, 20% आप वाटर ले लोगे, ठीक है 20% आप वाटर ले लोगे। फिर एक मसाला तैयार करोगे, मोल्टार तैयार करोगे, ठीक है। अब इस मोल्टार को अप्लाई कैसे करना है इसको देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ एक दिखा रहा हूँ, ये मान लीजिए आपकी छत है, ठीक है, छत की मोटाई है मान लो, ये जो भी छत है आपकी, ये ऐसे, ठीक है, ये छत है आपका, और यहाँ पर आपका क्रैक है, ये रेड कलर से मैं शो कर दे रहा हूँ क्रैक को, ठीक है ना। मान लीजिए ये क्रैक है यहाँ पर, यहाँ पर क्रैक है, इसको आपने वी शेप से क्या किया, ऐसे वी शेप में काटा यहाँ पर। फिर आपको मैंने बताया कि आप बॉन्डिंग कोट अप्लाई कर चुके हैं, मोल्टार को क्या करेंगे, अब इसमें मोल्टार अच्छे से भर देंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, इस पर स्लोप बनाना है उसी मोल्टार से। स्लोप कैसे बनेगा, जितनी दूर आपने वी शेप किया है उसके 1 इंच इधर और 1 इंच उधर तक आप क्या करिए, ऐसे स्लोप बना दीजिए, ऐसे स्लोप, समझ रहे होंगे कैसा, ताकि जब भी मान लीजिए बरसात होती है, जब भी बरसात होती है तब क्या हो, जैसे मान लीजिए बरसात हो रही है, ऐसे बरसात हो रही है, ठीक है, बरसात हो रही है ऐसे, ठीक है, तो क्या हो जाए, जो भी पानी इस पर गिरे, जो भी पानी गिरे वो ऐसे इस डायरेक्शन में क्रैक के दोनों तरफ ऐसे चला जाए, ठीक है ना। अब जब पानी रुकेगा ही नहीं यहाँ पर, जब पानी रुकेगा ही नहीं, बह जाएगा सारा पानी, तब क्या होगा, क्रैक आपका बच गया, ठीक है। फिर आपको नीचे से जो है लीकेज, जो प्रॉब्लम है वो लीकेज नहीं मिलेगा, लीकेज जो है अब नहीं देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये एक तरीका था। फिर इसको मसाला डालने के बाद कम से कम 2 से 3 दिन तक, 3 दिन से कम तराई मत करिएगा, मतलब तराई करने का मतलब होता है भाई पानी को रोकना है तो पहले पानी देना भी पड़ेगा, ताकि मसाला अच्छे से स्ट्रेंथ पाले, मजबूत हो जाए, बॉन्डिंग अच्छे से बना ले, ठीक है, ये काम करेंगे। अब ये तो उस जगह के लिए मैंने बताया कि जहाँ पर प्रॉपर छत पर स्लोप है, ठीक है ना। अगर मान लीजिए, फिर से मैं बता रहा हूँ, मान लीजिए प्रॉपर स्लोप नहीं है छत पर, जैसे कि आपकी छत कुछ इस तरीके से है, मान लीजिए कुछ आपकी छत ऐसे है, यहाँ पर आपका ड्रेनेज पाइप है, ठीक है ना, ये ड्रेनेज पाइप है, और कुछ छत ऐसे है ऐसे, तो जब पानी बरसेगा, तो जब भी पानी बरसेगा क्या होगा, जैसे पानी ऐसे आया, ठीक है, तो इधर जाने की बजाय पानी यहाँ पर इकट्ठा होगा ऐसे, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, सेम प्रोसेस, मान लीजिए यहाँ पर क्रैक व्रैक होगा तो सेम प्रोसेस आप करिए और मसाले को पूरा यहाँ तक फिल कर दीजिए, मसाले को आप पूरा ऊपर तक फिल करेंगे और ऐसे उसी मसाले से फिल करिए। और ये ध्यान दीजिएगा कि जो स्लोप हो, जो स्लोप हो इस डायरेक्शन में हो, ताकि ये जो आपका सीवर पाइप है, ठीक है ना, ड्रेनेज पाइप जो भी आप कहिए, प्रॉपर इसी में सारा का सारा वाटर जाए, ठीक है।
तो ये तो तरीका हो गया कि आप कैसे क्रैक को रिपेयर करोगे, क्रैक को रिपेयर करोगे। अभी भी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करिए, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा।